सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो यार पाँच दसम क्या है ना कि आज संडे का दिन है यानी कि छुट्टी का दिन, और आज जो है मेरा बड़ा भाई जो है वो शायद शहर से कहीं बाहर गया हुआ है किसी ज़रूरी काम से। तो आज जो है घर में मेरे ख्याल से जो काम होगा हल्का फुल्का वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी तो सुबह सुबह का दिन हुआ है, अभी मैं दुकान पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि भाई चला गया है बाहर। तो आज दुकान पर बैठा देखते हैं, दुकान पर मैं बैठा हूँ, देखते हैं कि दोपहर तक भाई आएगा या शाम को आएगा। फिलहाल तो मैं दुकान पर बैठा हुआ हूँ। अभी जो है मुझे एक ज़रूरी काम भी करवाना है, एक बंदे को बोला है हमने कि वो आएगा, हमारी चारपाई ये टूटी हुई है उसको हमने बनवाना है। तो आज का जो पहला काम है ये है कि हमें आज चारपाई बनवानी है। तो मैं फिलहाल दुकान पर बैठा हूँ, जब तक मेरा वो बंदा आएगा मैं बैठा हूँ, जैसे ही आएगा मैं उसे घर ले जाकर जो है चारपाई बनवाऊँगा। फिलहाल इधर शॉप पर बैठे हुए हैं, फिर आगे आप लोग अपडेट करते जा रहे हैं। संडे का जो पहला काम है वो है आज जो है हम चारपाई खराब हो गई है, ये चारपाई बन रही है और इस सामने असद बैठा हुआ है। ये आज पहला ही काम ये है। तो फिर देखते हैं जो है दूसरा काम क्या हो रहा है, जो भी आज संडे के दिन होगा वो सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। तो फिलहाल तो ये काम हो रहा है, देखते हैं ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर फिलहाल तो मैं दुकान पर बैठा हुआ हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। आपको क्यों ना पसीना आ गए भाई, आपने तो कोई काम किया ही नहीं, फारिग बैठे हुए थे। करनी है भाई ये? हाँ पिलाओ इसमें, तो इसमें पानी डालो। ये ना पड़ी है मैं जान। ठीक है आप इधर ही बैठे हो ना, मजदूर के साथ बैठे रहो। आप क्या कर रहे हो फिर? मैं इधर दुकान पर बैठा हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आप दुकान पर आना, फिर मैं बाजार जाऊंगा। क्यों? ऐसे ही काम है। तो यार मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है अब सफाई का काम जो है बहुत माशाल्लाह से बेहतर हो रहा है। जो पुराने मजदूर थे वो भी बेहतर कर रहे थे, लेकिन अब जो है नए आ गए हैं ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने से ये सारा नाली का जो गंद है ना ये सारा निकला हुआ है, और ये हमारे भाई साहब जो है गए नए इस गली में सफाई करने के लिए, ये भी माशाल्लाह से बहुत अपनी मेहनत का काम दिखा रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इनके लिए दुआएं करें। तो चारपाई का जो सारा काम था वो सारा क्लियर हो गया है, जो देख रहे हो आप लोग खुद, बिल्कुल पहले कैसे अधमरा होकर पड़ी हुई थी अब बिल्कुल एकदम अपने टांगों पर खुद खड़ी है। पहले इसकी टांगें टूटी हुई थी, अब खुद ही अपने टांगों पर खड़ी हुई है। तो सारा तो काम तो फिनिश हो गया। तो यार मैं जो है सुबह से लेकर ये अभी दोपहर हो गई है, और ये अभी जो है जोहर का टाइम होने वाला है, अभी तक जो है मैं दुकान पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ से मैं दुकान से फारिग नहीं हुआ हूँ। वो चारपाई हमने बनवाई, चारपाई बन गई है। अभी जो है अभी थोड़ा मैं दुकान पर असद आएगा बैठेगा, फिर मैं जो है जाऊँगा थोड़ा रेस्ट करूँगा, रेस्ट करके जैसे ही उठूँगा फिर थोड़ा नहा धोकर फ्रेश होकर फिर देखते हैं कोई काम वगैरह होता है, वरना फिर कहीं बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी बस आने वाला है असद। अभी जो असद आ गए दुकान पर, ये असद सोया हुआ है, ये इसके दुकान पर बैठने का स्टाइल ये होता है, ठीक है, ये सीधे तरीके से नहीं बैठता, जब भी दुकान पर आता है ऐसे ही बैठा होता है। खैर ये जैसे ही बैठा हुआ है अभी आ गए, तो अभी मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैं जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर नहा धोकर फिर देखते हैं कहीं खाना खाकर फिर
जो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जो है ना मजदूरी का वो वाला काम अब कहाँ तक पहुँचा, क्या आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, वो अब वो आप लोगों को फिर मैं दिखाता हूँ सो के उसका फिर। तो अभी अभी जो है मैं नींद से उठा हूँ और दूसरी बात मेरा भाई भी आ गया है बाहर, शहर से थोड़ा बाहर गया था, वो भी आ गया है। तो अभी जो मैं आप लोगों को वो वाला दिखाता हूँ कि जो पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो बनाया था वो, जिसमें था कि हम मजदूरी वाला वीडियो, तो वो वाला काम अब कहाँ कहाँ तक पहुँचा, आगे बढ़ा है नहीं, मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो वो जो एक काम था वाशरूम वाला काम तो आगे बढ़ा है, लेकिन वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो आगे अभी हम चल के देखते हैं। तो ये दिन मैं अपने दुकान से अब ये है और ये जो है पिछला काम, ये सारा वहीं तक रुका हुआ है और ये कुछ ईंटें जो मजीद हमने कुछ वहाँ से तोड़ी थी और कुछ यहाँ से ये रखी है, ये बाहर नहीं उतारी, बाकी ये सारा काम जो है वो वहीं तक पहुँचा था। ये सारा आल टू आल ये इसी वाला जो काम है वो अभी तक वहीं पर है और बाकी वो वाला जो इसी वाला काम है वो कुछ आगे बढ़ा है। तो ये वाला काम तो सारा यहीं तक पहुंचा है, अब चलते हैं वो जो दूसरा वॉशरूम वाला काम था वो वाला देखते हैं कि वो कहां तक पहुंचा, क्योंकि ये वाला काम जो है ना ये आगे नहीं बढ़ा, बस यहीं तक था जहां तक हमने किया, क्योंकि आगे जो है कोई मजदूर वगैरह आए भी नहीं, तो इसीलिए बस यहीं तक था। अब चलते हैं अगला नेक्स्ट जो काम था वो देखते हैं कि वो कहां तक पहुंचा। तो यहाँ के काम की कुछ सिचुएशन ये है, यहाँ पर जो है कुछ वो जो ईंटों को हमने टोटे बनाए था वो टोटे टोटे सारे हमने उठा कर कुछ यहाँ पर कालीन की तरह इधर बिछा दिया है वॉशरूम के अंदर और इधर बाहर, और वो इसलिए कि यहाँ पर जो है फर्श बनेगा, इस पर एक सीमेंट की लेयर आएगी और उससे जो है फर्श बनेगा ये सारा। और रहा काम वॉशरूम का, तो ये वॉशरूम का काम ये जो है इस पर पलेस्तर वगैरह हो चुका है, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था पलेस्तर भी नहीं था, छत भी नहीं थी, तो पलेस्तर और छत का ये सारा काम हो चुका है, बका ये रहता है फर्श का काम। और दूसरी बात ये जो वॉशरूम के बाहर जो है ना, एक मिनट यहाँ से दिखाता हूँ, वॉशरूम के बाहर जो है ये थोड़ा सा जगह बनी हुई है यहाँ पर वॉशरूम बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो यहाँ पर भी फर्श बनेगा और यहाँ से एक दो कदम की सीढ़ी है, तो ये सारा काम यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। तो ये हमारा सारा वॉशरूम का काम जो अभी हुआ है वो हमने आप सबको दिखा दिया, बाकी यहाँ पर ये जो दरवाजे वगैरह इनके लगेंगे और अंदर जो वाटर सप्लाई वगैरह की जो फिटिंग होगी वो बनेगी और ऊपर से एक टंकी बनेगी, ये टंकी के लिए ऊपर आप लोग देख सकते हैं वाले जो है जिस पर टंकी बनेगी वो बने हुए हैं, आगे बस टंकी का काम है, जैसे ही मजदूर आएंगे मिस्त्री आएंगे तो ये भी बन जाएगा और ये वाला सारा काम फिनिश हो जाएगा। और ये जो वॉशरूम वाला काम आप लोगों ने देखा कि वो कुछ जो है आगे बढ़ा है, उधर पलस्तर वगैरह हो गया है और वॉशरूम के आगे जो है ये थोड़ा बना हुआ है बर्तन वगैरह धोने के लिए, और जो है दूसरा उसके वॉशरूम को छत वगैरह भी लग गई है, यानी कि वॉशरूम जो थे उनका लगभग काम हो गया है, बाकी वो जो पिछला काम था वो वहीं का वहीं रह गया है। तो ये था पुराने वीडियो का अपडेट, तो बस आगे इंशाल्लाह बस जल्दी काम शुरू होगा उसका, फिर आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो बस आज के हम लोग यहीं तक था, तो बस यहाँ पर मैं एंड करता हूँ इसको, और आप सारे अपने गांव में याद रखना, बस अभी जो है मैंने सुबह से नहाया भी नहीं है, तभी नहा धो के फ्रेश होता हूँ और आज का व्लॉग बस यहीं तक एंड होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।